हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेस द मेडिकल फैक्ट्री। डियर फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। सो प्लीज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आज की टॉपिक हम लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग डिस्कस करेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी पे, यानी कि आज हम लोग पैथोलॉजी के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे कि ये पैथोलॉजी होती क्या है। ओके, और देन मैं पैथोलॉजी के रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं मैं वन बाई वन अपलोडेड करता रहूँगा। तो सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक बने रहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं पैथोलॉजी के ओरिएंटेशन पे, पैथोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। उसे तो आप सबको पहले मैं बता दूं कि पैथोलॉजी है क्या। तो जो पैथोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैथो से और लॉजी से। यानी पैथो की मतलब होती है डिसीज और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ओके, एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको देना चाहता हूँ एक्चुअली पैथोलॉजी है क्या, उसके बारे में मैं बता दूँ आपको कि पैथोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंडर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिसीज की स्टडी करते हैं। ओके, तो आप कह सकते हो कि पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस इन द बॉडी ड्यूरिंग द वेरियस टाइप ऑफ डिसीज। ऑलराइट, यानी कि जब हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीज होती हैं तो इस डिसीज के टाइम पे जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस की जो हम स्टडी करते हैं वही क्या कहलाती है, पैथोलॉजी कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट एक डेफिनेशन मैं और आपको बता दूं, दूसरा डेफिनेशन आप याद रखो कि पैथोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीज विच मेनली फोकस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द सेल टिश्यू एंड ऑर्गन। ओके, ये भी डेफिनेशन और इजी है। आप कह सकते हो कि जब भी हमारे बॉडी में क्या होती है, कोई भी डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है, उस डिसीज के टाइम हमारे बॉडी के सेल्स में और टिश्यू में या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में जो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस आते हैं, उसी चेंजेस को स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। ओके बेटा, चलिए बता दूं कि अगर आपको पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करनी है, अगर आपको पैथो पढ़ना है, तो पैथो को पढ़ने से पहले, हमको पैथो को जानने से पहले हमको बहुत वेरियस टाइप के एस्पेक्ट के बारे में जानना होगा। एस्पेक्ट का मतलब मैं बता दूं आपको, छोटी सी बात यही है कि पहलू। पहलू का मतलब हम ये आपको समझा दें बहुत इजी लैंग्वेज में। जैसे कि मान लो आप किसी टॉपिक पे बहुत ब्रीफली स्टडी करने वाले, तो अगर आप किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो तो उस टॉपिक का पहलू क्या होना चाहिए। पहलू का मतलब जैसे कि मान लो कि आप किसी क्राइम पे बात कर रहे हो, तो आखिर वो किस तरह की क्राइम है कि आप उस पर बात करोगे। तो ऐसे ही एस्पेक्ट है पैथोलॉजी की स्टडी करने से पहले हमको वेरियस टाइप के एस्पेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होती है। तो बेटा सबसे पहली जो एस्पेक्ट है वो हम लोग का, वो है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी इस पर ये पहला पहलू है हमको क्या, पैथोलॉजी की स्टडी करने के लिए, आपके फर्स्ट एस्पेक्ट है ठीक ना, फॉर द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, द कॉजेज और ओरिजिनेशन ऑफ डिसीज। दैट मीन्स एटियोलॉजी है क्या। एटियोलॉजी की डिस्कशन तब करते हैं, एटियोलॉजी की बात तब आती है कि यानी कि जो डिसीज है वो कॉज क्यों कर रहा है और उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है। जैसे कि दो तरह की डिसीज होती है, एक जेनेटिक होती है, आप देख सकते हो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है और एक्वायर्ड डिसऑर्डर होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होती है जो बाई जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन क्या करिए कॉज कर रही है। यानी पहले पेरेंट्स टू पेरेंट्स को थी, पेरेंट्स के बेबी को हुआ, फिर उसके अगले जनरेशन में हुआ, फिर उसके अगले जनरेशन में हुआ। ओके, जैसे कि जस्ट लाइक का एड्स हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गई ठीक ना, हीमोफीलिया हो गया, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। दूसरी जो डिसीज है वो होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड ऐसी डिसीज जो हम बाई जन्म के बाद, आफ्टर द बर्थ हम क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, वो बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज। उसी जेनेटिक एक्वायर्ड डिसीज जो है वो कहाँ ओरिजिनेट कर रही है, क्यों कॉज कर रही है, उसी को हम लोग कहते हैं एटियोलॉजी। एक्वायर्ड डिसीज में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, जैसे कि हाइपोक्सिया हो गया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, टाइफाइड हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, ये सब क्या आपके एक्वायर्ड डिसीज है। ओके, तो पहला एस्पेक्ट क्या है, एटियोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि जो डिसीज है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, क्यों कॉज हो रहा है। ओके, दूसरी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है
पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि मैकेनिज्म और प्रोडक्शन ऑफ डिसीज, यानी कि जो मैकेनिज्म है डिसीज की वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, यानी जो डिसीज है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ओके, किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं पैथोजेनेसिस। ऑल क्लियर? पैथोजेनेसिस क्या है कि मैकेनिज्म और प्रोडक्शन ऑफ डिसीज, यानी जो डिसीज है वो प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस डिसीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला होगा आपका माइक्रोबियल इन्फेक्शन, दूसरा होगा इंफ्लामेशन, तीसरा होगा मेलिग्नेंसी और चौथा होगा डैमेज ऑफ टिश्यू। ये अगर चार फैक्टर होते हैं तो आपको क्या होगा, आपके बॉडी में डिसीज प्रोड्यूस होगी। ओके, तीसरा जो हम लोग का है एस्पेक्ट है वो है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ओके, जो हम बात करते हैं ऑन दी टाइम ऑफ माइक्रोस्कोपिकली, यानी जब हमारे बॉडी में कोई डिसीज कॉज होती है तो उस डिसीज कॉज होने के टाइम पे हमारे बॉडी के टिश्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बॉडी के टिश्यू की जो मॉर्फोलॉजी उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं, जो माइक्रोस्कोपिकली स्टडी पे हम हमें पता चलता है। ओके, दूसरा एक चीज और याद रखना कि जो मॉडर्न पैथोलॉजी, उसके फादर कौन है, रुडोल्फ वर्चोय है। रुडोल्फ वर्चोय ने एक थियरी दिया था, द इंजरी ऑफ सेल इन द बेसिस ऑफ ऑल डिजीज। ओके, यानी जो सेल्स में इंजरी होती है, जो सेल में जो भी इंजरी होती है, जो भी घाव होता है, जो भी चोट होती है, वो ऑल टाइप ऑफ डिसीज पे डिपेंड करता है, बेसिस होता है वो। ओके, तो ये थ्योरी याद रखिएगा, ये रुडोल्फ वर्चोय का मॉडर्न पैथोलॉजी का थियरी था कि द इंजरी ऑफ द सेल्फ इन द बेसिस ऑफ द ऑल डिसीज, यानी जब हमारे बॉडी में ऑल टाइप के डिसीज होते हैं तभी जाके हमारे बॉडी के सेल्स में जो होती है वो इंजरी होती है। आप कह सकते हो हमारे बॉडी के सेल्स में जो भी इंजरी होती है, जो भी इंजर्ड होता है, वो हमारे वेरियस टाइप ऑफ डिसीज पे डिपेंड करता है। चौथा जो हम लोग का है वो है कॉम्प्लिकेशन। ये चौथा हमारा एस्पेक्ट है जो है क्या, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या कहते हैं, इट इज ए निगेटिव पैथोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग डिसीज। दैट मीन्स आप कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट या टफ। मान लो आप किसी बीमारी से सफर कर रहे थे और बाई दावे किसी चांस से वो बीमारी और ज्यादा खतरनाक हुई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। ओके, तो इसी को मतलब होता है कि इट इज अ निगेटिव पैथोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग दी डिसीज, यानी आपके समय आपको डिसीज है लेकिन उस डिसीज की वजह से आपको आपके और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, यानी कि एक निगेटिव पैथोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है। ओके, चलिए अगला हम बात करते हैं, एस्पेक्ट हो गए, कॉम्प्लिकेशन हो गया, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग फिफ्थ एस्पेक्ट पे जिसका नाम है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी टाइप ऑफ डिसीज, जो भी डिसीज है उस डिसीज का साइन क्या है एंड सिम्टम्स क्या है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो साइन होती है डिसीज की, और जो सब्जेक्टिव होता है वो सिम्टम्स होता है उस डिसीज का। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। तो मैंने पैथोलॉजी के कुछ सब ब्रांचेस का नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। पहला जनरल पैथोलॉजी है, दूसरा एनाटॉमिकल पैथोलॉजी है, तीसरा क्लिनिकल पैथोलॉजी है, चौथा जेनेटिक पैथोलॉजी है, पांचवा हिमेटोलॉजी है, छठवां इम्यूनोलॉजी है, सातवां माइक्रोबायोलॉजी है, आठवां हिस्टोपैथोलॉजी है एंड नवा जो है वो है साइटोपैथोलॉजी। तो आगे हम लोग वन बाय वन सारे पैथोलॉजी पे, सारे डिसीज पे, मतलब सब पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो प्लीज अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।